छोटाउदेपुर जिला के बोडेली में दो मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि यह दोनों मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और मजदूरी के काम के लिए गोंडल की ओर जा रहे थे। नर्मदा के मुख्य कैनाल के पास यह सड़क हादसा हुआ, जहां सड़क पर तैनात एंगल सिर पर लगने से दो मजदूरों की मौत हो गई। यह मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और मजदूरी के लिए पिपरानी से गोंडल की ओर जा रहे थे। करीब 25 जितने यह मजदूर थे, जिनमें से कुछ मजदूर क्रूजर गाड़ी की छत पर बैठे हुए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। यह सभी लोग दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए अपने गाँव गए हुए थे और वहीं से अपने काम पर वापस लौट रहे थे और रास्ते में यह सड़क हादसा हुआ, जिनमें से दो मजदूरों की मौत हो गई। सड़क पर लगी एंगल सिर पर लगने की वजह से दो मजदूरों की मौके पर मौत हुई। दोनों मजदूरों के शव को फिलहाल तो पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है।